बहरुजार मुसन बजार सयदना इमाम हुसैन रजियहो की विलादत हुई इबन असाकिर ने जल्द नंबर दो के अंदर इस हदीस को रिवायत किया अन अली रजियल्लाह तला अब बात हुई ये कहता है आवाज आई दूसरा कहता है रो क्या आई तीसरा कहता कहते सबकी आई चौथा पूछता है है किसकी कहता पता मुझे भी नहीं मैं कहता हूं आवाज आई किसकी की आई रदिया हो ताला और ये सनद लिखी हुई है अन अली अन हो ताला काला लम्मा वोले दल हसन उससे पहले भी मुकम्मल सनद है जब इमाम हसन अल्लाह अन हो कि विलादत हुई हु हरबा। मैंने उनका नाम हरब रखा जंग जिसका माना है एक हदीस में जाके इसका सबब भी जिक्र आता है क्योंकि दूसरे शहजादे की विलादत हुई तो उनका भी रखा तीसरे की विलादत हुई तो उनका भी हरब ही रखा क्यों इतना पसंद था कहता कुन् तो हिब्बो अन उक्तना भी अभी हरब अल्लाह कहते हैं मुझे ये पसंद बड़ा था कि मेरी कुनीत अबुल हरब हो जंगों वाला जंग झू हरबो जरब से मेरी दिलचस्पी थी तो इसलिए मैं बेटे का नाम हरब रखता कि मुझे अबुल हरब कहा जाए तो कहते हैं जान नबी अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए फकाल अरूनी इबनी मुझे मेरा बेटा दिखाओ मांसमित तुम हो तुमने क्या नाम रखा है इनका कोल हरबा हमने तो हरब नाम रखा है काला बल हुआ हसन हरब नहीं हसन अब ये है इतात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अली ने दूसरी बात ही नहीं की फलम्मा वोले दल हुसैन मौला अली कहते हैं जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु दुनिया में तशरीफ लाए सम्मई तू हरबा मैंने उनका नाम हरब रखा यानी यह इजतहाद के हो सकता है उनके शायान शान तो हरब ना हो और इनके शायन शान हरब हो तो इजाजत मिल जाए कहते हैं मैंने हरब रखा फजान नबी अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए फकाल अरूनी अबनी मांसमी तुम हो मुझे मेरा बेटा दिखाओ सामने की अफरमा क्या नाम रखा है अब अगर मोमिन है तो क्या इन लफ्जों में हसनैन के लिए की शान थोड़ी है उन्हें देखने कौन है उन्हें इबनी किसने कहा मेरा बेटा मेरा बेटा और फिर उनका नाम किसने रखा आगे हदीस आएगी नाम बदलने किया हुक्म किसने दिया अरूनी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ मासम नहीं तो हो कोल नहरबा। हरबा हमने कहा हरब बल हुआ हुसैन रसूल अक्रम सला वसलम ने फरमाया नहीं ये तो हुसैन रजियल्ला सरकार की बताई हुई शान से बड़ी शान कौन सी हो सकती है और मौला अली की रवायत करदा शान अपने शहजादों के लिहाज से बड़ी कौन सी हो सकती है और अगर खतीब वमाही कौम का मजाज बिगाड़ दें नहीं अवाम नहीं खुश होते तो फिर इमाम अवाम है या तुम उनके इमाम हो हदी शरीफ में है मौला अली रली तु कहते हैं फलम्मा वोले दस सालिस जब तीसरे शहजादे पैदा हुए सम्मई तो हु हर बा सैकड़ों किताबों में तीसरे शहजादे जो है उनको भी जिक्र है मैंने उनका नाम हरब रखा काला बल हुआ मुहसिन हसन हुसैन, मुहसिन वो तो मुहसिन है सुम का मैंने अपने बेटों के नाम एक अजीम पैगंबर सैदना हारून असलाम के बेटों के नामों पे रखे वो सैदना फारूक आजम रदी अल्लाह तला पर माजल्ला जो मजाले सुई आप अस्सी फीसद तकरीबन देख लें उन्होंने ये बक बक जरूर की होगी कि माजल्ला हजरत उमर रदी अल्लाह तनहों ने सयदा फातमत जहरा रजियल्ल्हु तहा पे तशद किया घर का दरवाज़ा जलाने आ गए रसूल पाक सल्लम के विशाल के बाद ऐसा हुआ और हजरत सैदा पाक रजी अल्लाह तहा उद से थी और जो तशद किया गया हजरत उमर रदी अल्लाह तन की तरफ से माजल्ला तो बेटा जाया हो गया ये झूठ की फैक्ट्री बनाई हुई है इन लोगों ने और फिर कहेंगे ये तीसरे शहजादे का जिक्र तो तुम्हारी किताबों में भी है हम दिखाते हैं तुम्हारी किताबों में है मैं कहता हूं हां मैं दिखाता हूं हमारी किताबों में है बिल यकीन थे लेकिन ये तो सरकार की मुबारक जिंदगी जाहिर में ही पैदा हो गए थे साबित करना चाहते हो के तीसरे थे और जब विलादत हुई सरकार दुनिया से जा चुके थे और विलादत का वक्त करीब था और अल्लाह उमरे फारूक रदी अल्लाह तशद किया और हमल जया हुआ कमीनो तीसरे थे मगर इनकी विलादत नाना जी के होते हुए हुई इसलिए सरकार खुद ही मुआसिन नाम रख के तशरीफ लेगा